Assalamualaikum बेटा, ये आज हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 16 हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है, cos क्यूब थीटा और d थीटा, इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे और हमें यानी कि लिमिट दी हुई है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट दी हुई है 5/6 और लोअर लिमिट दी हुई है 0। अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको किया cos क्यूब थीटा है, cos क्यूब थीटे को मैंने लिख लिया cos स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा और d थीटा, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने क्या फर्दर स्टेप में क्या किया, फर्दर स्टेप में ये किया कि cos स्क्वायर थीटे की जगह मैंने लिख लिया 1 - sin स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा लिखने के बाद ये कैसे आया, मैंने हिंट दिया हुआ है कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा के इक्वल है, तो इस cos स्क्वायर थीटे की जगह मैंने लिखा 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं पुट कर रहा हूं sin थीटे को t के इक्वल, किसके sin थीटे को मैं t के इक्वल पुट कर रहा हूं। अगर मैं थीटे की जगह अगर मैं 0 पुट करता हूं, इसमें थीटा हम 0 लेते हैं तो इसमें 0 पुट करें तो sin 0 = 0 होगा, तो इसका मतलब ये है कि t की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उसके बाद अपर लिमिट ली पाई बाय 6। अगर हम इस थीटे की जगह पाई बाय 6 पुट करें तो आपके पास sin पाई बाय 6 इसके इक्वल होता है 1/2 के, तो इससे मालूम हुआ कि t की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2। क्लियर हो गई बात। अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि sin थीटे का डेरिवेटिव लिया cos थीटा, sin थीटे का डेरिवेटिव आया cos थीटा और फर्दर एंगल का डेरिवेटिव लिया d थीटा इज इक्वल टू dt। ये चीज हमने फाइंड आउट कर ली। अब इसी ही जो हमने ये जो क्वेश्चन ये स्टेटमेंट जो हमारे पास बनी है, इसमें 1 माइनस देखिए sin को हमने किसके इक्वल लेट किया था, t के इक्वल लेट किया था, तो sin की जगह t पुट करेंगे तो 1 माइनस t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए cos थीटा और d थीटा, cos थीटा और d थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, dt के, तो मैं cos थीटा और d थीटे के इक्वल मैं यानी कि किसके cos थीटा और d थीटे की जगह मैं क्या लिखूंगा, dt। अब देखिए अब हम आते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट की तरफ। जब थीटा 0 था तो हमारे पास t की वैल्यू भी 0 ही आ रही थी, तो t की इधर हम यानी कि 0 की जगह 0 ही पुट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जब थीटा हमने पाई बाय 6 लिया तो t की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 1/2। t हमने क्या है लेट किया पुट किया है, तो पाई बाय 6 की जगह मैं वैल्यू क्या पुट करूंगा, 1/2। अब देखिए इसका 1 माइनस t स्क्वायर और dt, ये हम 1 का अलग से इंटीग्रेशन ले सकते हैं और t स्क्वायर का हम अलग से इंटीग्रेशन ले सकते हैं, ठीक है। 1 के साथ dt आ गया, अलग से इंटीग्रेशन लिया, माइनस t स्क्वायर का हमने अलग से इंटीग्रेशन लिया, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों की वो ही रहेगी जो हमारे पास गिवन है 0 टू यानी कि 1/2। अब हमने क्या किया, 1 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन t होता है, t आ गया, अपर लिमिट 1/2 और 0, ठीक है, माइनस अब t स्क्वायर है, यहां पे पावर रूल लगेगा, पावर रूल तब लगेगा जब t का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो, t का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो यहां पे हम पावर रूल ऑलरेडी लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा t क्यूब ओवर 3, अपर लिमिट 1/2 और 0। मैंने इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, मैंने ये किया कि अपर लिमिट t की जगह हम अपर लिमिट पुट करेंगे 1/2 माइनस फिर क्या पुट करेंगे लोअर लिमिट t की जगह, जहां जहां t है आपने वहां पहले अपर लिमिट पुट कर देनी है, फिर माइनस, फिर उसके बाद जहां जहां t है वहां पे आपने क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है, क्लियर हुई बात। माइनस अब ये देखिए ये जो आपके पास ओवर 3 है, मैंने 1/3 को बाय कॉमन ले लिया, 1/3 कॉमन आ गया, t क्यूब बच गया, t क्यूब बचा, तो t क्यूब की जगह मैं अपर लिमिट पुट करूंगा 1/2, 1/2 को t का क्यूब है तो 1/2 1/2 का क्यूब होगा, ठीक है। अपर लिमिट माइनस फिर हम इस t क्यूब की जगह क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट 0 का क्यूब। अब देखिए 1 माइनस 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 2 ही बचेगा, माइनस 1/3 एज इट इज, 1/2 का क्यूब लेंगे तो 1/8 माइनस 0, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 0 खत्म हो जाएगा, 1/3 और 1/8 बाकी 1/2 एज इट इज आपके पास वैल्यू आ जाएगी, 1/2 एज इट इज। अब 1/3 को 1/8 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 1/24, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 24 आया, 2 और 24 का एलसीएम लें 24 आया, 24 को जब हम 2 से सॉल्व करेंगे तो 12 आएगा, 12 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें
फोर ट्वेल्व आ जाएगा, 24 से कैंसिल, ठीक है। उसके बाद 1 बचेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 12 में से 1 सबट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा 11 over 24। ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, cos की पावर 4 यानी कि cos की पावर 4t dt, ठीक है। हम इसका अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पे सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, cos 4t को मैं कर लेफ्ट कर, यानी कि लेफ्ट यहां पे क्या कर रहा हूं, cos 4t इज इक्वल टू, cos 4t को मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर t का स्क्वायर, होल स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास फार्मूला है cos स्क्वायर t इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 1 plus cos 2t over 2, ठीक है। 13 के बाद मैंने इस cos स्क्वायर t की जगह लिख दिया 1 plus cos 2t over 2 का होल स्क्वायर। क्यों होल स्क्वायर, क्योंकि ये पहले से होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर 1 plus cos 2t का भी होल स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये 1/4 मैंने कॉमन बाय ले लिया। अब इसके बाद ये कौन सा फार्मूला बन जाता है, a plus b का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, मैंने इस तरह होल स्क्वायर ओपन किया, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर होगी बात। अब उसके बाद मैंने क्या किया, अब देखें इसमें फिर दोबारा अगेन फार्मूला लग रहा है, कहां पे लग रहा है, cos स्क्वायर t2t। अब ये देखें cos स्क्वायर t था तो यहां पे 2t था, यानी कि 1 का 2 टाइम्स हो गया। अगर यहां पे 2t हो जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4t। तो ये देखें वही एज इट इज cos स्क्वायर 2t की जगह मैंने क्या लिखा, 1 plus cos 4t over 2। क्यों मैंने अभी बताया, 1 है तो उसका डबल हो गया, ठीक है, 2 टाइम्स हो गया। अगर 2 है तो उसका क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 4t हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी मैंने फार्मूला पुट कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि 1 के नीचे क्या है, 1 है, इस 2 cos 2t के नीचे क्या है, 1 है। तो मैंने इसको ऐसा मैंने इसलिए लिखा ताकि हम इसका एलसीएम ले सकें। एलसीएम लिया तो 2 आया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, जब इस एलसीएम को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 2 से कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा, 1 plus cos 4t, ठीक है। अब इस 2 को जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 cos 2t, ठीक है, क्लियर हुई बात यहां तक बेटा। अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि जो डिवाइड में 2 है, इस 2 को मैं बाय ले आया तो ये क्या हो गया, 1 बाय, जब 2 8 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 बाय 8 हो जाएगा, क्लियर हुई बात। अब 2 plus 1 कितना हो जाएगा, 3 cos 4t plus 4 cos 2t, 2 plus 1 3, बाकी सेम एज इट इज cos 4t plus cos 4 cos 2t आ गया आपके पास, ठीक है, cos 2t आ गया। अब हमने ये मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ cos की पावर 4t को सॉल्व किया, ये आपके पास सॉल्व हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 1 by 8 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इसका मतलब है ये तीनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 by 8 हो जाएगा, 3 cos 4t over 8, 4 cos 2t over 8 हो जाएगा, क्लियर हो बात। अब मैंने इसका अगेन अगेन यानी कि फर्दर इनका सेपरेट लिखा किया, इंटीग्रेशन भी मैंने की, जो हमारे पास लिमिट भी दी हुई है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, 3 by 8 का इंटीग्रेशन, पाई बाय 4 आपका लिमिट है, 0 क्या है, लोअर लिमिट है, इसका भी इसी तरीके से इंटीग्रेशन लेंगे, इसका भी हम इंटीग्रेशन लेंगे, क्लियर हो बात। अब यहां पे ये है कि ये 4 और 8 कैंसिल होते हैं तो ये 1 बाय 2 आ जाएगा, ये आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, फिर कांस्टेंट का जब आप इंटीग्रेशन लेंगे तो वो e आ जाएगा, e अपर लिमिट और लोअर लिमिट प्लस, अब इस 8 को हमने बाय कॉमन ले लिया तो 1 बाय 8 आ गया, ठीक है, cos 4t dt, इस 1 बाय 2 को भी हमने बाय लिख लिया, क्लियर हो गई बात यहां तक। अब यहां पे इसको तो फर्दर सॉल्व करें, कैसे, टी की जगह आपका लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, क्लियर हो गई बात। अब देखिए cos 4t का इंटीग्रेशन तब होगा जब एंगल का आगे डेरिवेटिव मौजूद होगा, 4t का डेरिवेटिव क्या होगा, 4, तो हम क्या करेंगे, 1 by 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और डिवाइड, यानी 1 by 4 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया हमने, अंदर 1 by 4 लिखा, अंदर 4 लिख दिया, ये 1 by 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखें
cos 40, तो 40 ये जो एंगल है इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो अब जाके नेक्स्ट स्टेप में इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम ले सकते हैं, ठीक है। प्लस इसी तरीके से जब इस एंगल का आगे फर्दर डेरिवेटिव मौजूद होगा तो हम इस cos 2t का जो हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 1/2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ठीक है, 3 इस 3 ओवर 8 को पाई ओवर 4 से मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास 3 पाई ओवर 32 आ गया, ठीक है, क्लियर होगी बात। प्लस अब इस 1 ओवर 8 को मल्टीप्लाई कराएं 1/4 से तो क्या होगा, 1/32 cos 40 का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 40, ठीक है। प्लस अब नेक्स्ट स्टेप इसको a 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो 1/4 इसका इंटीग्रेशन ले, आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो cos 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2t। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमने इनका इंटीग्रेशन ले लिया, अब हमने वेरिएबल की जगह अपर लिमिट और क्या पुट करना है, माइनस लोअर लिमिट। 3 पाई बाय 32 एज इट इज आ गया, 1 ओवर 32 एज इट इज आ गया, ठीक है। 3 sin 4 4 एज इट इज, t की जगह पाई बाय 4 पुट करेंगे माइनस, यानी कि आपने इस वाले वैल्यूज में अपर लिमिट पुट कर दी फिर माइनस, फिर इसी ही वैल्यू में लोअर लिमिट पुट की, ठीक है, ये क्लियर होगी बात। प्लस 1/4 एज इट इज आ गया, ठीक है, फिर sin 2t में आप अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर अपर लिमिट पुट कर दी फिर माइनस, फिर इसी ही वैल्यू में आप लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 बाकी ये आपने वैल्यू पुट कर दी, 3 पाई बाय 32 प्लस 1 बाय 32 एज इट इज आ गया, 4 4 से कैंसिल तो sin पाई आ गया, sin 0 क्या होता है 0 प्लस 1 ओवर 4 ये 2 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा तो sin पाई बाय 2 sin 0 0 हो गया, क्लियर होगी बात। फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाली वैल्यू एज इट इज sin pi क्या होता है 0 minus 0, ठीक है, 1/4 as it is, sin pi by 2 क्या होता है 1 होता है, clear होगी बात। अब j वाली वैल्यू as it is, जब 1 over 32 को जब 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस 1/4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, clear होगी बात। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसका LCM लिया तो आपके पास LCM क्या आया, 32 आया। जब 30 LCM को हम जब इस वाली वैल्यू के साथ सॉल्व कराएंगे तो 32 32 से कैंसिल क्या बन जाएगा, 3 पाई आ गया, ठीक है। अब उसके बाद इस LCM को जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 और 8 32 का आंसर आता है 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 8, तो ये आपके पास क्या आ गया, आपके क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आ गया, सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 26 हम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास sin x minus 1 over cos square, ठीक है, इसका हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं विद अपर लिमिट और लोअर लिमिट के साथ। अब सबसे पहले ये देखें कि cos square x जो है वो sin x को भी डिवाइड कर रहा है और 1 को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने अलग-अलग सेपरेटली cos square x को sin x से भी डिवाइड कर दिया, cos square x को 1 से भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए ऊपर sin x है नीचे cos square x है, 2 टाइम्स है, तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसा किया 1 ओवर cos x into यानी कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में sin x ओवर cos x, कोई फर्क नहीं पड़ा, पड़ा है ऊपर कुछ भी नहीं। तो देखिए sin x को 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो sin x होगा, ठीक है, cos x को मल्टीप्लाई कराएं cos x से cos square x एज इट इज वही वैल्यू बन जाएगी जो आपके पास पहले से मौजूद है, ठीक है। अब 1 ओवर cos square x को मैं लिख रहा हूं, लिख सकता हूं secant square x, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, 1 ओवर cos x इसके इक्वल है secant x के, sin x ओवर cos x इसके इक्वल है tan x के, ठीक है, माइनस secant x एज इट इज आ गया। अब देखिए secant x tan x ये एक अलग वैल्यू है और secant square x ये अलग वैल्यू है, इसका हम अलग-अलग यानी सेपरेट क्या करेंगे, सेपरेटली इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है। secant x tan x का अलग से इंटीग्रेशन लिया, secant square x का अलग से इंटीग्रेशन लिया, हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट बनी रहेगी पाई बाय 4 टू 0 पाई बाय 4 टू 0। अब ये देखिए secant x और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपके पास secant x अपर लिमिट और लोअर लिमिट माइनस secant square x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब हमने इनके इंटीग्रेशंस फाइंड कर लिए, इंटीग्रेशन फाइंड करने के बाद अब इनमें बारी-बारी हम अपर लिमिट
करेंगे और माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। secant x में आप जहां x है वेरिएबल x है वहां पे आप अपर लिमिट पुट करेंगे secant पाई बाय 4। ठीक है, अब आपने देखे secant x में पाई बाय 4 लिमिट पुट कर दी, अपर लिमिट पुट कर दी, फिर माइनस, फिर इस secant x में आप लोअर लिमिट पुट करेंगे secant 0। ये रही बात, माइनस एज इट इज। ठीक है, अब tan x में अपर लिमिट पुट करेंगे पाई बाय 4 माइनस tan 0, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। secant पाई बाय 4 क्या होता है आपके पास, स्क्वायर रूट 2 होता है। ठीक है, secant 0 क्या होता है माइनस 1 माइनस इनटू tan पाई बाय 4 1 होता है, tan 0 0 होता है। अब नेक्स्ट टाइम पे मैंने ये किया, स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ गया, माइनस 1 एज इट इज आ गया, इस ब्रैकेट से पहले साइन माइनस का है तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा माइनस 1। तो अब नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 2, यानी कि स्क्वायर रूट 2 माइनस 2। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 1 ओवर 1 प्लस साइन x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 ओवर 1 प्लस sin x, 1 प्लस sin x का कॉन्जुगेट लेंगे 1 माइनस sin x और उससे मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब 1 माइनस sin x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस sin x होगा। अब यहां पे देखिए 1 प्लस sin x 1 माइनस sin x, यानी कि a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b, तो क्या होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 माइनस sin स्क्वायर x इसके इक्वल होता है cos स्क्वायर x के। मैंने ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, 1 माइनस sin स्क्वायर x की जगह क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x। अब देखिए cos स्क्वायर x जो है वो इस 1 को भी डिवाइड कर रहा है और sin x को भी डिवाइड कर रहा है। मैंने cos स्क्वायर x को 1 से 11 से डिवाइड कर लिया, cos स्क्वायर x को sin से 11 से डिवाइड कर लिया। अगर आप इसका LCM लें तो एज इट इज यही वैल्यू आपके पास बनेगी। 1 ओवर cos स्क्वायर x किसके इक्वल होता है secant स्क्वायर x के, माइनस नीचे 2 टाइम्स cos है तो मैंने इसे क्या लिखा, 1 ओवर cos और sin ओवर cos। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, 1 ओवर cos x किसके इक्वल होता है secant x के। ठीक है, sin x ओवर cos x किसके इक्वल होगा tan x के। ये अलग से एक वैल्यू है, ये अलग से एक वैल्यू है। ठीक है, इन दोनों का हम अलग-अलग इंटीग्रेशन लेंगे। अब देखिए अलग-अलग इंटीग्रेशन लेंगे, secant स्क्वायर x का अलग से इंटीग्रेशन लेंगे, लिमिट आपके पास वही रहेगी सेम एज इट इज, पाई बाय 4 टू 0, अपर लिमिट आपके पास है पाई बाय 4, लोअर लिमिट है 0। अब उसी तरीके से secant x tan x का अलग से इंटीग्रेशन लेंगे, इसकी भी लिमिट वही रहेगी जो आपके पास दी हुई है। secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x, ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, secant x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा secant x। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे जहां आपके पास वेरिएबल x है वहां आप पूरी इक्वेशन में जहां-जहां x है वेरिएबल है वहां उस इक्वेशन में आप अपर लिमिट पुट करेंगे। तो x की जगह पाई बाय 4 tan पाई बाय 4 आपने अपर लिमिट पुट कर ली। ठीक है, माइनस फिर अब इसी की वैल्यू में लोअर लिमिट पुट करेंगे tan 0, तो 0 आ गया माइनस। अब इसमें भी ऐसे ऐसे ही करेंगे secant पाई बाय 4 माइनस secant 0, यानी कि अपर लिमिट पुट कर दी फिर माइनस लोअर लिमिट। tan पाई बाय 4 क्या होता है 1, tan 0 0 माइनस, ठीक है, बाकी सेम साइन और ब्रैकेट ऐसे आती रहेगी। secant पाई बाय 4 क्या होगा स्क्वायर रूट 2 जो मैंने अभी रिसेंटली क्वेश्चन में आपको बताया है जो भी किया है। ठीक है, अब secant 0 क्या होता है 1। अब हम क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 एज इट इज 0 खत्म हो जाएगा, इस ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का है तो अंदर साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट 2 माइनस में आ जाएगा, ये माइनस 1 है तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1। अब यहां देखेंगे यहां पे भी प्लस 1 है यहां पे भी प्लस 1 है, प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 2 आ गया माइनस स्क्वायर रूट 2, तो ये आपके पास क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आ गया। ये बेटा ये आपकी 3.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल हम 3.7 स्टार्ट करेंगे।